बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की जनरल साइंस का यूनिट नंबर 2 हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ मीन्ड बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी का क्या मतलब है। उर्दू में इसको विरासत भी बोला जाता है। अगर हम अपनी इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो हम देखते हैं कि वालदैन से उनके बच्चों की बहुत ही मुशाबत होती है, यानी बच्चे अपने वालदैन से बहुत मिलते जुलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये किस वजह से होता है? ये होता है इस प्रोसेस हेरिडिटी की वजह से कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए वालदैन से औलाद तक जो है खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज हेरिडिटी, यानी वालदैन से औलाद तक खसूसियात ट्रांसफ़र होने का जो अमल है वो हमारे पास क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। सो इस चैप्टर का नेम क्या है, हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म, यानी हम ऑर्गेनिज्म में जो है स्टडी करेंगे कि हेरिडिटी का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सेल डिवीजन। डिवीजन का मतलब है डिवाइड हो जाना, यानी सेल का डिवाइड हो जाना। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और हर सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस मतलब कॉपीज बनाना, ठीक है। और इसके अलावा हर सेल के पास ये भी एबिलिटी होती है कि वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है, मतलब नंबर में इंक्रीज हो सकता है, मतलब सेल का नंबर भी इंक्रीज हो सकता है। और रिप्रोडक्शन का फिनोमेना होना या सेल के नंबर बढ़ने से ग्रोथ का होना, ये दोनों फिनोमेना जो हैं वो सेल डिवीजन की मदद से जो है वो टेक प्लेस होते हैं। सो सेल डिवीजन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और ग्रोथ यानी इंक्रीज इन साइज भी जो है वो भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। लाइक अगर हम इधर एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे एक बेबी से एडल्ट ह्यूमन बींग का बनना, यानी यहाँ पे कौन ग्रोथ हुई है इस बेबी की, एडल्ट ह्यूमन बींग है, तो ये किस प्रोसेस हुई है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इसके अलावा किस तरह एक जनरेशन जो है कोई ऑर्गेनिज्म है अपनी जनरेशन आगे कैरी करता है, ठीक है। ये पेरेंट्स से कैसे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन, कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनते हैं, कैसे जो है रिप्रोडक्शन का फिनोमेना टेक प्लेस होता है, वो भी किसकी मदद से होता है, सेल डिवीजन की मदद से होता है। तो इट्स मीन केस ग्रोथ के लिए और इसके अलावा अपनी जनरेशन को आगे कैरी करने के लिए जो है वो सेल डिवीजन का अमल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम सेल डिवीजन की डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए पेरेंट सेल, वो सेल जिसने डिवाइड होना होता है, डिवाइड होकर इन क्या बनाता है, डॉटर सेल। डॉटर सेल कौन से सेल्स होते हैं, जो डिवीजन के नतीजे में नए सेल्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन जो है हमारे पास बेसिकली दो तरह की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। इन दोनों को हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। सबसे पहले माइटोसिस, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है जिसने माइटोसिस का अमल करना है, माइटोसिस के अंडर ग्रोथ जाना है। सबसे पहले ये इसका साइटोप्लाज्म का पोर्शन है और ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है इसका न्यूक्लियस है, जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल इस पेरेंट सेल का यानी डीएनए क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मौजूद है। सबसे पहले क्या होता है कि ये सेल साइज में ग्रोथ करता है, ग्रोथ के बाद जो है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्रोमोसोम की फॉर्म में मौजूद है डीएनए, वो सबसे पहले अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, जिसको हम कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट्स। डीएनए रेप्लिकेट्स का मतलब है डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज बन जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हर एक की एक एग्जैक्ट कॉपी बन चुकी है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। पहले यहाँ पे एक एक थी, अब यहाँ पे हर एक की उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन चुकी है। उसके बाद क्या है, जब डीएनए के रेप्लिकेट्स बन जाते हैं उसके बाद जो है फर्दर जो है डिवीजन का प्रोसेस होता है कि जो पेरेंट सेल है अब वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन दो डॉटर सेल्स का कंपैरिजन पेरेंट सेल से करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो पहला डॉटर सेल है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसका जो क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और पेरेंट सेल में कितने थे, 1, 2, 3, 4। इसी तरह दूसरे डॉटर सेल का कंपैरिजन करें, 1, 2, 3, 4 सेम एज पेरेंट सेल, तो इसका मतलब है
पेरेंट सेल जो है माइटोसिस में डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाता है जो कि एग्जैक्ट कॉपी है। आप देख सकते हैं तो कि एग्जैक्ट कॉपी है। एग्जैक्ट कॉपी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास सेम नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम मौजूद है जो कि सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं एज पेरेंट सेल, जैसे कि पेरेंट सेल में मौजूद है। तो ये फिनोमेना जो है हमारे पास क्या कहलाता है, माइटोसिस कहलाता है। ठीक है, सो माइटोसिस क्या है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें पेरेंट सेल जो है डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाता है जिनके पास सेम काइंड और सेम नंबर जो है क्रोमोसोम होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मियोसिस की तरफ। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस हो जाना, हाफ हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, तो ऐसी डिवीजन जिसमें जो उसका क्रोमोसोम नंबर है पेरेंट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब वो डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे पेरेंट सेल है जब प्रॉपर साइज में ग्रो किया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट है, फोर यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद सबसे पहले वही सेम प्रोसेस रेप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ, कॉपी बन गई इसके क्रोमोसोम्स की जेनेटिक मटेरियल की। अब क्या होगा, सबसे पहले जो है फर्स्ट डिवीजन होगी यहाँ पे, दो डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो दो डॉटर सेल में क्रोमोसोम कितने आए, फोर इधर आ गए, फोर इधर आ गए, टू डॉटर सेल बन गए। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल डिवीजन नहीं होती बल्कि जो डॉटर सेल जो दो बनते हैं पहली डिवीजन के नतीजे में वो फर्दर डिवीजन जो है करते हैं हर डॉटर सेल। अब ये जो एक डॉटर सेल बना ये फर्दर डिवीजन करेगा, दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह जो दूसरा डॉटर सेल था ये भी फर्दर डिवीजन करेगा और दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनके जेनेटिक मटेरियल की तरफ देखें तो जब ये वाला जो हमारे पास है डॉटर सेल फर्स्ट वाला, इसके पास क्या है, हाफ इसका जो जेनेटिक मटेरियल है मतलब दो इसके क्रोमोसोम यहाँ आएंगे और जो दो हैं वो दूसरे डॉटर सेल में जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर जो मौजूद है क्रोमोसोम उसके दो जो है यहाँ पर और दो दो हैं दूसरे डॉटर सेल में आएंगे, और एंड रिजल्ट हमारे पास कितने बन गए हैं, फोर डॉटर सेल्स जो हैं वो बन गए हैं। तो इट्स मीन कि अगर हम अब कंपेरिजन करें इन डॉटर सेल का पेरेंट सेल के साथ, तो आप देख सकते हैं कि डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम मौजूद हैं, इन चारों में दो, और यहाँ पे कितने मौजूद हैं पेरेंट्स में, चार। तो इट्स मीन कि मियोसिस में पेरेंट सेल जो है वो कंजेक्टिव टू डिवीजन करता है, और कंजेक्टिव टू डिवीजन करने के नतीजे में चार डॉटर सेल एंड पे बनते हैं, और उन डॉटर सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ होता है अगर हम कंपैरिजन करें उसका पेरेंट सेल से। ठीक है, इसलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है, यानी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, जबकि माइटोसिस में कहते हैं क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स की तरह जो है वो सेम रहता है। इसमें हम कहते हैं ये एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट्स की बनती है माइटोसिस के नतीजे में। अब हम देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस की डेफिनेशन। सो माइटोसिस क्या हुआ, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स ईच हैविंग द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट्स न्यूक्लियस। सो ये ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन की जिसमें जो पेरेंट सेल है डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाता है और दोनों डॉटर सेल में जो है सेम नंबर और सेम काइंड के क्रोमोसोम होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल में या पेरेंट न्यूक्लियस में मौजूद थे। इसी तरह मियोसिस की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड ट्वाइस टू प्रोड्यूस फोर सेल्स कंटेनिंग हाफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कि एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी सेल डिवीजन है टाइप कि जिसमें क्या होता है कि एक सेल दो दफ़ा डिवाइड करता है, कंजक्टिव डिवीजन करता है, और एज ए रिजल्ट चार डॉटर सेल्स हमारे पास बनते हैं, और उन चारों का कंपैरिजन जब हम पेरेंट सेल से करते हैं तो हाफ नंबर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल जो है उनमें मौजूद होता है, यानी क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है इन चार डॉटर सेल्स में। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। माइटोसिस इट अकर्स इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल्स हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो सारे के सारे सोमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस का फिनोमेना कहाँ पे होता है, सिर्फ जो हमारे सोमेटिक सेल्स हैं उनमें हो रहा होता है।
जबकि मियोसिस जो है इट अकर्स इन जर्म सेल। मियोसिस का फिनोमेना हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, अगली जनरेशन को कैरी करने में हिस्सा लेते हैं, उन सेल में जो है मियोसिस का जो है वो फिनोमेना हो रहा होता है। और सेकेंड डिफरेंस क्या है, टू डॉटर सेल्स, ठीक है, माइटोसिस के नतीजे में जो है एंड रिजल्ट जो है हमारे पास दो डॉटर सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में हमारे पास कितने डॉटर सेल बनते हैं, फोर डॉटर सेल, जैसे कि हमने प्रीवियसली जो है इसको डायग्राम की मदद से देखा भी। उसके बाद थर्ड डिफरेंस है, माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट्स, माइटोसिस में जो डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम होता है जैसे कि पेरेंट सेल जिससे वो डिवाइड हुए थे उसमें होता है, ठीक है, जबकि मियोसिस में क्या होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल, कि मियोसिस में जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर होता है वो पेरेंट सेल से कम होता है यानी हाफ होता है। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस है, माइटोसिस डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि सेम जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग यानी जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें मौजूद होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों जो हैं पेरेंट सेल और डॉटर सेल एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपीज होते हैं, ठीक है, सो हम कहते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जबकि मियोसिस में हम देखें क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो गया होते हैं, सो जो डॉटर सेल्स होते हैं वो पेरेंट सेल से जेनेटिकली क्या है डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट से डिफरेंट होती है। इसके अलावा माइटोसिस में हमने देखा था कि सिर्फ सिंगल डिवीजन इन्वॉल्व थी, सिर्फ एक दफ़ा सेल डिवाइड हुआ और दो डॉटर सेल्स बन गए, जबकि मियोसिस में हमने देखा कि डबल डिवीजन हुई और उसके नतीजे में जो है चार डॉटर सेल्स बने। तो ये तो है सम मेजर डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा कि सेल डिवीजन क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों जो फिनोमेनाज हैं वो सेल डिवीजन की मदद से ही होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। इसके बाद हमने टाइप ऑफ सेल डिवीजन को डिस्कस किया जिसमें दो इसकी टाइप्स थी, माइटोसिस और मियोसिस, इन दोनों को देखा हमने और इसके डिफरेंसेस को भी डायग्राम की मदद से हमने देखा और हमें पता चला कि माइटोसिस से क्या है, दो डॉटर सेल बनते हैं और एग्जैक्ट कॉपी बनती है जैसे कि पेरेंट सेल होता है, जबकि मियोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल से डिफरेंट जो हैं वो डॉटर सेल्स बनते हैं और उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी पेरेंट की निस्बत जो है वो हाफ होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।